हरियाणा की पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के भरकस प्रयासों के बाद अम्बाला में एयरपोर्ट केंद्र सरकार ने मंजूर किया था, जिसका मुख्यमंत्री हरियाणा ने शिलान्यास किया था और तब से इस एयरपोर्ट का बड़ी तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज समय समय पर यहां मुआयना करते रहते हैं ताकि काम में कोई कमी न रहे और समय पर इसे पूरा किया जा सके। इसी कड़ी में अनिल विज ने आज एक बार फिर निर्माणाधीन एयरपोर्ट का दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए विज ने कहा कि यहां पर दिन रात युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि 10 अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा और हो सकता है कि 15 अगस्त को पहली उड़ान अयोध्या के लिए भरी जाए। विज ने कहा कि सारी परमिशन जिस जिस विभाग से लेनी थी वो सब पूरी हो चुकी है। पहली फ्लाइट यहां से शायद अयोध्या के लिए भरी जाएगी और दूसरी जम्मू के लिए। अनिल विज ने कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी पहली उड़ान की होती है, बाद में तो एड ऑन ही करनी होती है और वो हो जाती है। साथ ही विज ने कहा कि जिस शहर में एयरपोर्ट होता है उस शहर की तरक्की सबसे ज्यादा होती है। इसके बनने से रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि अम्बाला का एयरपोर्ट एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो शहर के बीचों बीच है। पूरी तेजी से डे एंड नाइट यहाँ पर काम चल रहा है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उम्मीद है 10 अगस्त तक ये तैयार हो जाएगा और 15 अगस्त से यहाँ से पहली उड़ान भरी जा सकेगी। सारी इसकी परमिशन जिस जिस विभाग से लेनी थी वो ले ली गई हैं और सारे इंतज़ाम इसके किए जा चुके हैं। वो ये सारी बिल्डिंग बनाई है ना हमने, ये सारी बिल्डिंग बनी है, ये इसी में सारे काउंटर वगैरह लग जाएंगे, बाकी सारा सामान लग गया, तैयार हो गई है, वाइट वॉश हो गया है, एसी लग रहा है और पानी की और बिजली की और बाकी इंतज़ाम इसमें कर रहे हैं, तो इसमें काउंटर बनेगा सारा। इसमें देखिए अभी जो संभावना बन रही है, जो विभाग बता रहा है, पहली फ्लाइट शायद अयोध्या जी को जाया करेगी यहाँ से और एक जम्मू को जाया करेगी। बात ये होती है, मुश्किल सारी पहली फ्लाइट शुरू करने में होती है, क्योंकि जो भी नेसेसरी परमिशंस लेनी है वो एक की भी उतनी है, 10 की भी उतनी है। जब पहली फ्लाइट चल जाएगी फिर इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो ऐड ऑन फिर अपने आप ज़रूरत के मुताबिक होता रहता है। देखिए माला छावनी का इसके बनने से बहुत जो स्टेटस है, स्तर है, शहर का स्तर जिसमें एयरपोर्ट हो उससे बहुत बढ़ता है और तरक्की होती है उससे। जहाँ जहाँ पर भी एयरपोर्ट आए हैं, अब चंडीगढ़ में मोहाली का आया वहाँ देखो पूरा बस गया, ये दिल्ली में गुड़गांव में पालम का आया था सारा गुड़गांव बस गया, जहाँ जहाँ भी आते हैं। और ये जो हमारा एयरपोर्ट है शायद ये एकमात्र एयरपोर्ट है जो शहर के बीच में है, ये अम्बाला जंक्शन है, यहाँ पर चारों तरफ से मुसाफिर आते हैं। अभी भी जो आते हैं वो अम्बाला कैंट उतरते हैं टैक्सियाँ करके मोहाली जाते हैं, तो हमारा तो इतना नज़दीक है रिक्शा पे बैठ के भी एयरफोर्स स्टेशन से या बस स्टैंड से यहाँ तक आदमी आ सकता है। ये तो इतना कन्वीनियंट है, बिल्कुल शहर के बीच में ये बनाया जा रहा है और जल्दी ही हम इसमें और फ्लाइटें जोड़ देंगे, जितनी अधिक से अधिक जोड़ी जा सकेंगे हम जोड़ेंगे। नहीं, ये रोज़गार के साधन तो बढ़ते ही हैं ना इससे। अब जो पहली चीज़ वो बड़ी इंडस्ट्री लगाने वाला पूछता है वो यही पूछता है एयरपोर्ट है वहाँ पे, तो हमारे पास है। बता दें कि इस एयरपोर्ट के बनने का पूरा श्रेय हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को ही जाता है, क्योंकि उनके अथक प्रयासों के बाद ही अम्बाला में इस एयरपोर्ट को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी और उसके बाद सारा काम द्रुत गति से हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।